पवन सिंह और उनकी पहली पत्नी की कहानी बड़ी ही दिलचस्प है। दिलचस्प इसलिए है क्योंकि भाई आपने अगर दुनिया से बहुत कुछ छुपा कर रखा है तो दिलचस्पी तो लोगों की बढ़ेगी ही। वैसे भी पवन सिंह से रिलेटेड कोई भी न्यूज़ को हम मिस बिल्कुल नहीं करते हैं। आजकल सोशल मीडिया पर कुछ जगह पवन सिंह और उनकी पहली पत्नी की कहानी चल रही है। तो हम आपको बता दें कि अपने करियर के शुरुआती दिनों में ही पवन सिंह ने रीना रानी से शादी की। रीना रानी उन दिनों भोजपुरी फिल्मों के साथ साथ कुछ हिंदी छोटे मोटे सीरियल भी किया करती थी। रीना रानी ऑलरेडी डिवोर्सी थी, उनका एक बच्चा था और ये बात पवन सिंह के घर वालों को नागवार गुजरी। वैसे पवन सिंह ने ये जो शादी की थी वो अपने परिवार के विरुद्ध जाकर की थी। जी हाँ, यानी परिवार के खिलाफ जाकर पवन सिंह ने शादी की और रीना रानी को उन्होंने अपना हमसफर बनाया। महज 3 से 4 महीने ये शादी चली और शादी टूट चुकी। और फिर पवन सिंह ने इसका जिक्र किसी के सामने नहीं किया क्योंकि उस वक्त मीडिया में ये बात फैली भी नहीं थी। और तो और पवन के घर वालों ने कभी इस शादी को रजामंदी दी ही नहीं। महज 3 से 4 महीने ये लोग रिलेशनशिप में रहे और ये शादी टूट गई। वैसे रीना रानी बिहार के सिवान से हैं और आप पार्टी की कार्यकर्ता हैं। वैसे रीना रानी के बारे में अगर आपको जानना है तो आप क्राइम पेट्रोल, निमकी मुखिया जैसे कई सीरियल देख सकते हैं। वैसे इससे पहले रीना रानी कभी लाइमलाइट में नहीं रही। पवन सिंह की वजह से अब उनको लाइमलाइट मिल जरूर रही है। यहाँ आपको हम ये बता दें कि पवन सिंह की लाइफ का वो पन्ना फट चुका है जहाँ कभी रीना रानी का राज हुआ करता था। रीना जब पवन से अलग हुई तो बकायदा मोटी रकम लेकर अलग हुई, मुंबई के एक पॉश इलाके में फ्लैट और एक मोटी रकम, और तब जाकर उन्होंने पवन सिंह से डिवोर्स लिया। यानी एलिमिनी के तौर पर पवन सिंह ने उन्हें अच्छी खासी रकम दी। साथ ही साथ इस बात को भी दबाने की पूरी कोशिश की कि मीडिया में और कहीं भी ये खबर ना आए कि पवन सिंह पहले से शादीशुदा थे, क्योंकि उनके करियर पर इसका इफ़ेक्ट पड़ सकता था। और ये शादी पवन सिंह ने जज्बातों में आकर की थी, लोगों की बातों में आकर की थी, इसलिए ये प्यार और जज्बात वहीं दफन कर देना चाहते थे पवन सिंह। क्योंकि अगर सभी को पता चलता कि रीना रानी ऑलरेडी डिवोर्सी हैं, उनका एक बच्चा है, तो सब यही कहते हैं कि पवन सिंह ने क्या देखा और क्या शादी की। वैसे भी पवन सिंह अपने करियर में आगे बढ़ना चाहते थे और रीना रानी की बातों पर ब्रेक लगाना चाहते थे। जब उन्होंने देखा कि रीना रानी का तालमेल न उनसे जम पा रहा है न उनके परिवार से, तो उन्होंने इस रिश्ते से कन्नी काटना ही भलाई समझी और इसे बुरे सपने की तरह भूल गए। लेकिन वो कहते हैं ना, आप चाहे गलत करो या सही करो, कभी न कभी वो सामने आ ही जाता है। लेकिन अब भाई रीना रानी के रूप में ये सच लोगों के सामने आ चुका है कि पवन सिंह पहले, यानी पवन सिंह नीलम से भी पहले अगर किसी से शादी किए थे तो वो कोई और नहीं, रीना रानी थी। और इन दोनों के बीच भी बड़े ही कम वक्त का रिलेशन था और ये रिलेशन किसी को पता है और किसी को पता भी नहीं है। लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि ये दोनों लिव इन में रहा करते थे, शादी नहीं की थी। लेकिन कुछ विशेष सूत्र ये भी कहते हैं कि इन दोनों ने शादी भी की थी। अब भाई इसमें सच रीना रानी और पवन ही बता सकते हैं। लेकिन अब अगर मीडिया में खबर उड़ती है तो भाई हमें आपको बताना तो बनता है ना। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।